भारतीय संविधान के निर्माता का जिक्र आते ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है। निश्चित तौर पर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन होने के नाते बाबा साहेब ही हमारे संविधान के वास्तुकार थे। मगर क्या आप उस शख्स को जानते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर पूरे संविधान को अपने हाथों से कागज पर उकेरा, जिन्होंने हमारे देश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, उसे कागज के पन्नों में बेहद खूबसूरती के साथ लिखा। उनका नाम है प्रख्यात कैलीग्राफर यानी सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ। कई लोगों के अथक परिश्रम का ही फल था कि संविधान की मूल प्रति किसी कलाकृति जैसी बनी। नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने अपनी पेंटिंग से उसे और खूबसूरत बनाया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी लेखनी से इसमें 4 चांद लगा दिए। उन्होंने अपनी कैलीग्राफी से संविधान की शुरुआती सामग्री और उसकी प्रस्तावना लिखी। रायजादा ने इटैलिक शैली में बेहद खूबसूरती से संविधान लिखा, जिसमें उन्होंने एक भी गलती नहीं की। प्रेम बिहारी के परिवार में कैलीग्राफी की परंपरा थी। कम उम्र में माता पिता को खो देने के बाद उनका पालन पोषण दादाजी और चाचा जी ने किया। उनके दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना अच्छे कैलीग्राफर होने के साथ फारसी और अंग्रेजी के अच्छे जानकार भी थे। वे कई अंग्रेज अफसरों को भी फारसी सिखाते थे। प्रेम बिहारी जी ने कैलीग्राफी अपने दादाजी से ही सीखी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुंदर लेखनी के साथ इसे लिखने के लिए रायजादा से संपर्क किया। खास बात यह है कि उन्होंने इसके लिए एक पैसा तक नहीं लिया। रायजादा ने नेहरू से कहा कि वो संविधान लिखने के लिए एक पैसा नहीं लेंगे, बस हर एक पन्ने पर उनका नाम और अंतिम पृष्ठ पर उनके साथ उनके दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाए, जिसे नेहरू ने बड़ी आसानी से मान लिया। रायजादा को इस काम के लिए संविधान भवन में अलग से कक्ष उपलब्ध कराया गया। बाद में यही कमरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहलाया गया। 8 शेड्यूल, 395 अनुच्छेद और संविधान की प्रस्तावना को लिखने के लिए उन्हें 6 महीने का समय लगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की मेहनत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस दौरान सैकड़ों निब का प्रयोग किया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने पूरा संविधान लिखने के लिए 432 पेन के निब का उपयोग किया था। भारतीय संविधान की मूल प्रति जो उन्होंने तैयार की, उसमें 251 पन्ने हैं और इसका वजन 3.75 किलो यानी लगभग 4 किलो है। भारतीय संविधान की हस्तलिपि पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि अंतिम हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष फिरोज गांधी ने किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में भारत का ही संविधान है जो हाथ से बने कागज पर हाथ से लिखा हुआ है। संविधान की मूल प्रति को पहले फलालेन के कपड़े में लपेटकर नेफ्थलीन बॉल के साथ रखा गया था, लेकिन साल 1994 में संसद भवन के पुस्तकालय में इसे वैज्ञानिक विधि से तैयार चैम्बर में सुरक्षित कर दिया गया। अमर उजाला.com